अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आप ठीक होगी अल्लाह के फजल करम से, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ छोटी सी मट्टी की हांडी में चिकन। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धो के जो है वो इसमें मैं बाकी चीज़ें जो है वो मैं ऐड करूँगी। बाकी में ये क्या है, ये छोटा सा प्याज है तो इसको मैं ऐड करूँगी। और साथ में जो है वो टमाटर और हल्दी मिर्ची वगैरह। तो साथ साथ में इधर काम भी कर रही हूँ और साथ साथ में छोटा सा टमाटर ऐड करूँगी। आज जो है वो मेरा संडे मैगज़ीन जो है शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे सारे घर में हैं तो जब मेरे बच्चे घर में हो तो मुझे किसी चीज़ की होश नहीं होती। तो मम्मा ये बना, मम्मा वो बना, मम्मा ये कर, मम्मा वो कर। तो मेरा छोटा बेटा और बड़ा बेटा, बेटी कुछ वो इतनी वो नहीं है, तंग नहीं करती, लेकिन ये जो मेरे छोटे बच्चे हैं ना दोनों, ये तो क्यामत खड़ी कर देते हैं मेरे लिए। ये इतनी है कि इसमें सिर्फ एक बंदे का सालन बन सकता है, बस छोटी सी है। साथी इस के जी मैं बना रही हूँ साथ में मटन, और मटन के लिए मैंने बड़े बड़े प्याज काट लिए हैं, और इसमें मैंने क्या काट लिया, टमाटर और अदरक और लहसुन इसको पीस के वो मैं उस टाइम इसमें ऐड करूँगी जब गोश्त जो है मटन जो है वो बिल्कुल गल जाएगा। इसको मैं काट दूँगी अब कुकर को बंद और चढ़ा दूँगी चूल्हे पे। कुछ तकरीबन गल चुका है तो अब इसको मैंने बंद कर दिया चूल्हे को। घर पे मैं बना रही हूँ चाय, तो जो इसका चिकन का सालन है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ, तो साथ साथ वो भी बना रही हूँ। और मैं बहुत थक गई हूँ आज, उधर वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, किचन की सफाई, घर की सफाई। तो आज का दिन जो होता है ना वो वाकई में संडे का दिन बहुत बिजी होता है हम सब के लिए, हम सब क्या औरतों के लिए। बाल भी लोग जो हैं वो माशाल्लाह से ऐश कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तो आज उनकी जो होती है छुट्टी होती है, हमारी भी तो आज छुट्टी है ना संडे, फिर भी हम काम कर रही हैं। और माशाल्लाह से हर घर में ही काम हो रहा होगा, बच्चों को छुट्टी, हस्बैंड को छुट्टी। तो चीनी नहीं दे, चीनी डाल देती थी। तो मेरी दो सिस्टरान आई हुई हैं माशाल्लाह से, आज संडे जो है वो इधर ही मनाएंगे हमारे साथ। मटन जो है वो भर चुका है, बहुत ही कड़क चाय, बहुत ही वो ड्राइवर जो पीते हैं ना वैसी चाय है, कड़क चाय, जोश, बहुत अच्छी लगती है ये कड़क चाय। और थकावट में तो माशाल्लाह जी कमाल हो गया जी, इसका जितना ही आपने जोश देना है इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और गाढ़ी भी हो जाएगी। गाढ़ी तो वैसे पहले भी है क्योंकि दूध जो फार्म से आता है उसमें पानी की मिलावट बिल्कुल भी नहीं होती। तो ले जी मेरी चाय तैयार हो गई है, कड़क चाय, आ जाएं जी जिस जिसने पीनी है आ जाएं, जोश दी हुई चाय। कुकर से मैंने इसको निकाल लिया था तो अब जो है वो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है। नमक मिर्ची और हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये
मैंने दूध रख दिया है और इस साइड पे जो मटन है वो बन रहा है। देखिए जी सालन और सलाद जो है वो बन चुका है, साथ में मैं रोटी बना रही हूँ। और ये सलाद और ये चिकन, ये मटन देखिए बहुत टेस्टी बना है। सॉरी मेरे सारी चीज़ें फैली हुई है।